नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से जहां लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि का क्रम जारी था, वहीं बुधवार की सुबह से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा घटने लगी। इससे तटवर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली। मालूम हो कि करीब 5 दिन पहले 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का क्रम शुरू हो गया। बढ़ाव की रफ्तार थमने के बजाय बढ़ती जा रही थी। बीते 2 अगस्त को 12 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि का क्रम जारी हो गया। गंगा खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही थी। इससे बाढ़ की आशंका से तटवर्ती इलाकों के लोगों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। इसी बीच बीते मंगलवार को बढ़ाव की रफ्तार में काफ़ी कमी आई और 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बढ़ाव दर्ज किया। इसी क्रम में बुधवार को 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर में कमी होना जारी हो गया। इस संबंध में केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी हसनैन ने बताया कि बुधवार की सुबह 7 बजे से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा में घटाव शुरू हो गया। अनुमान है कि यह घटाव आगे भी जारी रहे। करंडा थाना क्षेत्र के रामपुर मांझा में बीते हुए वृद्ध हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर लिया। बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने हत्यारोपियों को मीडिया से मुखातिब कराया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संपत्ति विवाद में बड़ी बहू ने ही अपनी बेटियों संग मिल ससुर के सर पर ईंट से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में मृतक के छोटे पुत्र कन्हैया राम ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दिया था। मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी। इसी क्रम में संबंधित अभियुक्त को विवेचना व पर्याप्त साक्ष्य संकलन करने के पश्चात पुलिस ने आज सुबह करीब 10:30 बजे मृतक की बड़ी बहू लालसा देवी और उसकी लड़कियों कृष्णा कुमारी और राखी कुमारी को घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अजय कुमार पांडे, महिला कांस्टेबल सरिता पांडे, महिला कांस्टेबल दिव्या साहू, कांस्टेबल संजय पाल और कांस्टेबल नागेंद्र कुमार शामिल थे। सुहल पुलिस ने मंगलवार की देर रात 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर करीब 1 सप्ताह पूर्व ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। लुटेरों के पास से लूट का नकदी, चेक बुक, पासबुक और ई पास मशीन बरामद किया। अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वह अपने हमराहियों अमित सिंह, शुभम मौर्य, आशुतोष तथा ओमवीर के ढड़नी तिराहे पहुँच बैरिकेटिंग कर वाहनों की चेकिंग करने लगे। इस दौरान मलसा तरफ से एक तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवक आते दिखे। पास आने पर जैसे ही रुकने का इशारा किया गया, रफ्तार तेज कर बैरिकेटिंग के बगल से होते हुए नक्सल की तरफ भागने लगे। इस पर छिपाकर कुछ ही दूरी पर घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर अमित दुबे के पास से 315 बोर का तमंचा एवं एक कारतूस तथा रणविजय उर्फ रंजीव सिंह के पास से 312 बोर का तमंचा एवं एक कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त अमित दुबे की निशानदेही पर खजुहान अक्सर मार्ग के बीच में झाड़ी में छिपा कर रखा गया लूट के बैग, उसमें रखा 63,000 में से 5200 रुपया, बैंक चेक बुक, पासबुक, ई पास मशीन आदि बरामद किया गया है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कई थाना अध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत जमानिया प्रभारी निरीक्षक रविंद्र भूषण मौर्य को सादियाबाद का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है, जबकि पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक दीपेंद्र सिंह को जमानिया का प्रभारी बनाया गया है। प्रभारी निरीक्षक सादियाबाद शिव प्रताप वर्मा की तैनाती खाली पड़े स्थान पर भुड़कुड़ा थाना अध्यक्ष पद पर की गई है। इसके साथ ही सेवराई चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हरिनारायण शुक्ला को थाना अध्यक्ष भावरकोल थानाध्यक्ष शैलेश कुमार मिश्रा नौनहरा थाना की कमान सौंपी गई है। नौनहरा थानाध्यक्ष शैलेश प्रताप सिंह का गैर जनपद स्थानांतरण हो गया है। इसके अलावा सैदपुर भीतरी चौकी प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को करीमुद्दीनपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि यहाँ के थानाध्यक्ष बालेंदु कुमार का स्थानांतरण गैर जनपद के लिए हो गया है। ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार राज्यपाल को संबंधित 16 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। पत्रक सौंपने के बाद संगठन के जिला संरक्षक एवं प्रदेश महासचिव मोहम्मद समीम सिद्दीकी और जिलाध्यक्ष नागेंद्र यादव जोगी ने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रतिनिधिमंडल में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष एसएन सिंह, सदर ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रिका यादव, सादात ब्लॉक अध्यक्ष राम समूह यादव, देवकली ब्लॉक अध्यक्ष फेक्कन यादव, जिला महासचिव नितेश कुमार, ब्लॉक महामंत्री जगत नारायण, मंडल उपाध्यक्ष धर्मदेव जनार्दन यादव, सुनील यादव, अब्दुल मन्नान, इंद्रासन राय, ब्रजलाल, अभिषेक सिंह, राजेश कुमार राय, राकेश सिंह, विनोद बिंद, सोनू यादव, संतोष पासी, संजय यादव, रामराज बिंद आदि ग्राम प्रधान शामिल थे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।